नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी आप सभी के समक्ष इंक्वायरी के तौर पर लगातार आप सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर, जो आपका ASI कॉन्फिडेंशियल वाला है, उसमें इक्विवेलेंट जो ओ लेवल के डिग्री आपकी PDF आई थी, उसमें पॉइंट नंबर 21 को लेकर के बहुत उआपोह की स्थिति चल रही है। बहुत सारे मैसेज जो है आ भी रहे हैं व्हाट्सएप पर, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं और ग्रुप में भी ये चीज़ें हैं। तो देखिए, एक बात इसी बात को मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ, जो आपकी PDF इक्विवेलेंट वाली दी गई है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं और आप लोग क्या समझ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम बाहर हैं, हमारे पास ये नहीं है। जैसे पॉइंट नंबर 21 में दिया हुआ है कि क्या किसी बिना PCM के PGDCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा, ये प्रश्न जो है पूछा है। और उसके उत्तर में भर्ती बोर्ड ने बोला है कि PGDCA 3 वर्ष के डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है, अतः बिना PCM के PGDCA किया हुआ व्यक्ति पात्र नहीं होगा। इसमें आप लोगों का जो संदेह है वो ये है कि PCM का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। आप लोग इसी चीज पर भ्रमित हैं कि PCM का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यहां भी PCM का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, यहां भी PCM का मतलब है 10+2, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 10+2। यानी अगर कई बच्चे, अगर मान लो कोई 10वीं के बाद सीधा आपका क्या कर लिया, PGDCA कर लिया है, तो वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। यहां PCM का आशय 10+2 है, इंटरमीडिएट की परीक्षा है, ना कि तुम्हारा 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का पढ़ना है। और सबसे ज्यादा आप लोगों की यही उआपोह की स्थिति बनी है कि सर, हमने PCM नहीं लेकर रखा है, हमने PCB ले रखा है, या हम आर्ट्स से BA किए हैं, तो हम यहां से सीधा बाहर है, हमारी डिग्री वैलिड नहीं होगी। और उनको जवाब देने वाले बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, वो तो सीधा बोल रहे हैं उन्हें कि तुम बाहर हो, तुम्हारा मान्य नहीं होगा। तो ये उआपोह की स्थिति छोड़िए, यहां PCM का मतलब 10+2 है, ना कि आपका PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया गया इंटर परीक्षा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग सारे दूर करिए। जिनका कॉन्फिडेंशियल लगा है, अच्छी तरीके से स्टेनो पर प्रैक्टिस दीजिए और साथ ही साथ आपके क्लर्क के लिए टाइपिंग पर बहुत अच्छा प्रयास करिए, लगातार प्रैक्टिस रखिए। कोई अन्य आपकी जिज्ञासा है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके भी जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।